हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद आगम सिंह। दोस्तों, आज हम फोर्थ साइंटिस्ट दैट इज एडवर्ड जेनर, उनकी कहानी के बारे में बात करेंगे कि आखिर उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे माइक्रोबायोलॉजी में और उन्होंने उनकी स्टोरी क्या थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की और उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था माइक्रोबायोलॉजी में। सो, जानते हैं क्या थी उनकी स्टोरी। सो, एडवर्ड जेनर बेसिकली एक इंग्लिश फिजिशियन थे और एक साथ ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन का डिस्कवरी की। दुनिया की सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले फर्स्ट जो आदमी थे वो एडवर्ड जेनर थे, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन की इन्वेंट की। विदाउट द मतलब डरे नहीं वो किसी चीज़ से, कोई भी मुश्किलें आई उन्होंने सबको पार किया। तो उन्होंने कैसे डिस्कवर की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, चलिए जानते हैं। उस टाइम पर क्या होता हुआ था, एडवर्ड जेनर के टाइम पर जो स्मॉल पॉक्स का एक एकेडमिक चल रहा था, मतलब स्मॉल पॉक्स इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि हर लोगों को स्मॉल पॉक्स का खतरा बना रहता था। लगभग 10% जनसंख्या जो वहाँ की थी वो स्मॉल पॉक्स की वजह से मारी गई। जेनर ने देखा, अरे यार ये लोग मारे जा रहे हैं काफ़ी, मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो ऑब्जर्व करता था कि 10% जो लोग मर रहे हैं उसमें जो जो मिल्क मेड्स होती हैं, जो दूध निकालने वाले होते हैं, वो नहीं मर रहे थे क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स होते ही नहीं था। अब उन्हें सोचा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है इनको स्मॉल पॉक्स जबकि दूसरे लोगों को होता है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, जब वो मिल्क मेड्स दूध निकालते हैं तो जब जो उनके हाथ हैं वो काऊ के जो काऊ पॉक्स हुआ होता है, जो उनके ब्लिस्टर्स होते हैं काऊ पॉक्स के, उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं उनके हाथ, तो वो जो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनका जो पस वगैरह होता है जो काऊ पॉक्स का, उनके हाथों में लग जाता है और कैसे कैसे करके ऐसे तैसे करके उनके बॉडी के अंदर चल जाता है, चाहे क्योंकि वो हाथ से खाना खाते हैं कुछ भी तो उनके अंदर चल जाता है। उससे क्या होता है कि वो इम्यून हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए, काऊ पॉक्स के जैसे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स एक काऊ पॉक्स की जैसी डिजीज है लेकिन स्मॉल पॉक्स थोड़ा डेंजर होता है स्मॉल काऊ पॉक्स के कंपैरिजन में। सो जेनर ने पोस्टुलेट किया कि ये जो अंदर जा रहा है बस उसकी वजह से वो इम्यून हो रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया कि जो एक लड़का था, उन्होंने इस जो उन्होंने हाइपोथेसिस किया, जो पोस्टुलेट किया, उसको अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या किया कि एक 8 साल का लड़का था जेम्स फिलिप्स जिसका उसका नाम था, उसके उसको बुलाया और साथ ही एक मिल्क मेड जिसको काऊ पॉक्स हुआ हुआ था उसको बुलाया। तो उन्हें देखा कि जो काउपॉक्स का ब्लिस्टर्स थे वो लेडी के हाथ में हुए पड़े थे। तो उसने क्या किया, जो काउपॉक्स का ब्लिस्टर है उसमें से पस को स्क्रैप आउट किया, मतलब उसने निकाल लिया उस पस को और उस बच्चे के दोनों हाथों में इंजेक्ट कर दिया। दो तीन दिन तक उसने उस जेम्स फिलिप्स बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो बच्चे को सिर्फ नॉर्मल फीवर था, उसको थोड़ा इलनेस थी लेकिन स्मॉल पॉक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर, कोई ब्लिस्टर्स कोई एक्शंस ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो बड़ा खुश हो गया और एक्साइटमेंट में उन्होंने क्या किया, जाके अपनी रिपोर्ट को रॉयल सोसाइटी के अंदर पब्लिश करने के लिए दे दिया। लेकिन रॉयल सोसाइटी वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो रिसर्च है, हम उसको कैसे मान लें, ये कैसे सही है। तो जेनर वापस आ गए, जेनर को वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जेनर ने हार नहीं मारी। उन्होंने क्या किया, दोबारा रिसर्च की उस पर और उन्होंने 23 ऐसे केसेस कलेक्ट किए जो पॉजिटिव थे कि मैं इस चीज़ को प्रूव कर रहा हूँ कि ये वैक्सीनेशन का काम कर रही है, ये जो काउपॉक्स का ब्लिस्टर है जो पस मैं दूसरों के अंदर इंजेक्ट करता हूँ वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। उस 23 केसेस में एक केस उनके बच्चे का भी था जो कि सिर्फ 11 महीने का बच्चा था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर बच्चे के साथ क्या होगा, उन्होंने कोई रिस्क से नहीं डरे वो, उन्होंने सिर्फ कामयाबी को देखने के लिए बच्चे तक को के अंदर काउपॉक्स का, अपने खुद के बच्चे के अंदर काउपॉक्स का बस इंजेक्ट कर दिया। लेकिन वो रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, बच्चे को काउपॉक्स नहीं हुआ। सो, इससे वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया। इस बार रॉयल सोसाइटी में उनको मना नहीं कर पाई कि आखिर आपका रिजल्ट गलत है या सही है। कुछ सालों बाद एडवर्ड इतने फेमस हुए कि उनके लिए काफ़ी
इनाम दिए गए, काफी उनको उनके फेमस इतना ज्यादा हो गया था कि जो किंग ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने उन्हें 10,000 पाउंड का गिफ्ट दिया, और जो रॉयल कॉलेज था उन्होंने 20,000 पाउंड्स का उन्हें गिफ्ट दिया कि आप आगे जाके इस रिसर्च को बढ़ाइए और अपना वैक्सीनेशन का प्रोसेस आगे रिकवर कीजिए, अपने रिसर्च को कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो काउ पॉक्स के ब्रिस्टर्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वहाँ काउ को जो गायें थी उनको फ्री में देना चालू कर दिया कि आप कीजिए इन पे काम वैक्सीनेशन बनाने के लिए। सो क्योंकि ये मानवता के लिए सबसे बड़ा काम था, जेनर को सबसे ज्यादा जाने बचाने वाला माना जाता है, सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन में जेनर का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उसने उन्हीं ने इस वैक्सीनेशन की प्रोसेस की डिस्कवरी के वजह से इतनी जाने बचाई कि अदर साइंटिस्ट ने कभी नहीं बचा पाए। इतनी अच्छी खोज के लिए इन्हें काफी सम्मानित किया गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट्स अ थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।